लंबे समय से उज्बेकिस्तान पर शासन करने वाले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव का ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने करीमोव के निधन पर शोक जताया है। 6 दिन पहले करीमोव को ब्रेन हैमरेज के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। करीमोव का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर समरकंद में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीमोव के अंतिम संस्कार में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ई रखमोन, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जी बर्दी मुख मेदोव और किर्गिस्तान, बेलारूस और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति करीमोव की मौत पर शोक जताते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि करीमोव का जाना उज्बेकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिलहाल देश में राष्ट्रपति करीमोव के निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के निधन के बाद प्रधानमंत्री शौकात मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति पद की कमान मिल सकती है। अनाथालय में पले बढ़े करीमोव सन 1991 में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पश्चिमी देशों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे। देखते रहिए डीवी लाइव।